नमस्कार, अंतिमबाजी में आपका स्वागत है। दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं मिहिर भट्ट, मेरे साथ मेरे सहयोगी वीरेंद्र हैं। और एक बड़ी खबर जिसका इंतजार आज सुबह से था, सबकी तैयारी भी थी, वो है निफ्टी पर 9000 हो नहीं पाया अभी तक। 8941 का लेवल, निफ्टी बिल्कुल फ्लैट। सो मार्केट्स आर नॉट ऑबलाइजिंग, लेकिन अच्छी चीज़ यह है कि सेंसेक्स अभी भी 29,000 पर कंफर्टेबली क्रूज कर रहा है इन लेवल्स के आसपास। लेकिन हाँ, निफ्टी का जो ड्रैग है, एक जो साइकोलॉजिकल बैरियर निफ्टी पर बना था 9000 के आसपास, वो इवेंचुअली स्प्रेड हुआ सेंसेक्स पर भी। अब तक ट्रेड में हुआ क्या, ये बताने के लिए वीरेंद्र मेरे साथ जुड़े हैं। लेकिन वीरेंद्र, ये तो आप रोज़ ही बताते हैं, पहले ये बताइए आईफोन 7 प्लस कब बुक कर रहे हैं आप? अपनी गुंजाइश का मैं मिहिर, अभी जो पिछला फ़ोन है वही चल रहा है ठीक ठाक, तो अभी उससे रहने दीजिए। लेकिन दो चीज़ों का है इंतज़ार, जैसे कि आपने कहा कि आईफोन प्लस और दूसरा 9000, अभी भी इसका इंतजार बरकरार है। और आईफोन 7 प्लस तो आज रात को लॉन्च हो ही रहा है, वो तो हो ही जाएगा। हाँ, उसके साथ बाजार में 1 घंटा बचा है, पता नहीं 9000 आज हो नहीं हो। लेट्स होप फॉर द बेस्ट के हो जाए मिहिर। आप और मैं तो शायद, जैसे हमने कल भी बात की थी कि अभी 15 मिनट और खुदे तो हो जाए, वो मोमेंटम आज नहीं है। फ्रेंकली स्पीकिंग मोमेंटम आज नहीं है, थोड़ा सा अदालत है मोमेंटम। आइए देखते हैं एक्जैक्टली जो पॉइंट्स, जिस 5 पॉइंट्स हम फोकस करेंगे। पहला, कल की जोरदार तेजी के बाद आज थोड़ा सा फ्रंट फुट पे आने के लिए अगर आप देखें, निफ्टी थोड़ा सा झिझक रहा है। और स्पेशली अगर आप कुछ इंडिकेटर्स देखें डेरिवेटिव्स के, वो एक्जैक्टली रिफ्लेक्ट कर रहे थे कि हम शायद एक पॉज लें। आज कल की तेज़ी आज थोड़ा सा थमी है। और उसके बाद दूसरे पैदान पर जिस चीज़ को देखूंगा वो है एक्जैक्टली, अगर आप देखें सरकारी बैंकिंग शेयरों को देखिए, आप स्टेट बैंक को देखिए 52 हफ्तों के नए हाई पर, आप देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा को कल स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंस। आज एक बार फिर अगर आप देखें तेज़ी 52 हफ्तों के, आप सारे सरकारी बैंकों के चार्ट देखिए, आई मीन अनबिलीवेबल बाइक वाकई। और बाकी आप देखिए BHL, इस स्टॉक पे यकीन मानिए दुनिया जहां शॉर्ट थी, एक से एक अगर आप देखिए मंदी की एक्सपेक्टेशन, लेकिन नंबर्स कुछ आए और उसके बाद शॉर्ट कवरिंग और डे हाई पर एक समय लगभग 17% ये स्टॉक ऊपर था। BHL के बाद अगर आप देखें जिस फैक्टर पर फोकस करूंगा मैं, वो है एक्जैक्टली ऑटो एंड स्पेस, टायर, फार्मा, गाड़ी, चक्का। और साथ ही साथ अगर आप देखें जो कल पुर्जे सारी की सारी अगर आप देखें गाड़ी जो है उस वक्त भाग रही है तेजी से। टाटा मोटर्स को देखिए आज ऑलमोस्ट 598 स्ट्राइक कर दिया इस स्टॉक ने, क्या शानदार तेजी पूरे के ऑटो स्पेस में। उसके बाद आखिरी चीज़ अगर जिस पर फोकस करूँगा वो है चाय, कॉफ़ी, एग्री और रियल्टी और IT शेयरों में आज एक बार तेजी है, स्पेशली चाय, कॉफ़ी और एग्री, जिसकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है मिड कैप और स्मॉल कैप में। मिहिर, बिल्कुल। चलिए अब उन स्टॉक्स पर एक बार नजर डाल लेते हैं जिस पर आज हम बात करेंगे। एक तो PNB 6% ऊपर, कैनरा बैंक 8%, SBI को कैसे भूला जा सकता है 3.5%, और साथ ही BHEL 15% ऊपर। BHEL, सुनील हाईटेक पर अच्छा मूव, और वेंकटेश हैचरीज, FDC, हैरिसन मलयालम, C8, हिंदुस्तान कॉपर, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जिस पर आज हम बातचीत करेंगे। जी हाँ, साथ ही जिन स्टॉक से मैं चर्चा करूंगा इसमें सबसे ऊपर शामिल है बैंक ऑफ बड़ौदा 177.50 डे हाई पर इस वक्त, यूनियन बैंक, TFC, एप्टेक को देखिए एजुकेशन स्पेस में वाइब्रेंट, बिल्कुल शानदार तेजी के साथ, रानी ब्रेक्स लगभग 11.5% ऊपर, शानदार मूव यहाँ पर भी है। उसके बाद देखिए आप कुछ और स्टॉक्स जिसमें RPG लाइफ साइंसेस, कहाँ नतीजे आए थे स्टॉक के, याद रखिए 276 पे, अब 456। बाकी GM ब्रेवरीज, ग्लोबल ऑफशोर, नेटको और साथ ही साथ सुब्रोस, ये कुछ स्टॉक्स जहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है। एक बार निफ्टी को देखते हैं, और अगर आप बैंक निफ्टी को देखें ये थोड़ा सा फ्रंट फुट पे अभी भी खड़ा है 8943, और निफ्टी बैंक आपका अभी भी अगर आप देखें 78 अंकों की मजबूती लेकर कारोबार कर रहा है। अब 90 अंकों पर बस वो 20,600 का जोन, वो क्लस्टर सबसे महत्वपूर्ण। मेहर, बिल्कुल। चलिए सबसे पहले बात करते हैं BHEL के बारे में। 15% ऊपर ये काउंटर, और अब इस पर फंडामेंटल व्यू लेना इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज देखिए एक चीज़ तो तय है, नतीजे जो हैं कंपनी के, इसने इट हैज़ प्रूव्ड एवरीबडी रॉन्ग। जो भी लोगों की आशंकाएं थी, ये था वो था, बट अच्छी चीज़ ये है कि देखिए BHEL कोर सेक्टर की कंपनी है, इसका टर्न अराउंड आपकी कोर सेक्टर की हेल्थ जो है उसे भली बात इंडिकेट करता है। हालांकि एक ही नतीजे पर इतना रिएक्ट करना ठीक नहीं है, लेकिन अगर ये ट्रेंड रहता है ना, तो ये इससे बेहतर खबर नहीं हो सकती इकोनॉमी के लिए। ये अगर आप देखें सबसे प्रतिष्ठित जाने माने अच्छी कंपनियों के अगर आप देखें जो स्टॉक्स है ना मेहर, उसमें से कि आखिरी चंक था जो कि फंसा हुआ था वो भी शायद आज निकल गया है। आशीष चतुर्मोता हमारे साथ जुड़े हैं बात करने के लिए इस वक्त। आशीष, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। आशीष, अभी आपको क्या लग रहा है, एज अ ट्रेडर मेरे को क्या करना चाहिए? मान लीजिए मैं हैंडसम प्रॉफिट से बैठा हूँ, मैं निफ्टी पे एक बार बुक करके बाहर निकलूँ, बैंक निफ्टी पे एक बार बुक करके बाहर निकलूँ, थोड़ा सा यहाँ पर गिरावट का इंतजार करना चाहिए या नहीं? अभी बाजार नीचे ज़्यादा नहीं आएगा, इस बात की पॉसिबिलिटी है आपको? देखिए वीरेंद्र, डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग तो एडवाइजेबल रहेगी क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपमूव हमें देखने को मिला है और मेरा ये मानना है कि एक स्ट्रॉन्ग अपमूव के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन डेफिनेटली बाजार के अंदर पॉसिबल है। शायद 8850 के लेवल्स एक बार देखने को मिल सकते हैं, पर ब्रॉडर ट्रेंड क्लियरली अपसाइड पर बन चुका है और अब मेरा मानना है जब तक 8750 क्लोजिंग बेसिस पर ब्रीच नहीं होता तब तक 9100 से 9150 9200 के लेवल्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए डेफिनेटली मुझे लगता है इन लेवल्स पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए और थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर से निफ्टी 8850 8800 के जोन में आती है तो वहां पर पे वापस से एक लॉन्ग पोजीशन जो है वो इनिशिएट करनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन ये तो चलिए एक है। दूसरा तबका जहां पर बहुत अच्छा मूव देखने को मिला है आशीष आज के दिन, वो फिर से एक बार है पीएसयू बैंक्स लेड बाय द हेवी वेट एसबीआई। मैं इनफैक्ट ये सोच रहा था कि आज अगर पीएसयू बैंक्स अंडर परफॉर्म कर रहे होते तो निफ्टी कहाँ होता। जिस तरह का मूव है, आप किसी भी पीएसयू बैंक पर क्या ट्रेड रेकमेंड करेंगे इस समय? देखिए बिल्कुल मेरे, हमने लास्ट टाइम पीएनबी के ऊपर एक ट्रेड रिकमेंड किया था। अराउंड स्टॉक चल रहा था 127 के जोन में और वहाँ से ऑलरेडी 12-13% की एक बढ़त हमें देखने को मिल चुकी है। मेरा ये मानना है कि डेफिनेटली ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में जा चुके हैं और अब यहाँ पर कोई भी गिरावट के अंदर में ये स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है क्योंकि बहुत लंबे समय के कंसॉलिडेशन के बाद ये स्ट्रेंथ देखने को मिली है। एज अ ट्रेडर मैं थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर यहाँ पर करना पसंद करूँगा, पर अगर से कोई भी डिप आती है 3 से 4% की पीएसयू बैंक्स में, खासतौर पे स्टॉक्स जैसे कि पीएनबी, कैनरा बैंक, आंध्रा बैंक, इवन फॉर दैट मेरा सिंडिकेट बैंक, तो यहाँ मुझे लगता है 3-4% की गिरावट के बाद वापस से काफ़ी अट्रैक्टिव लगेंगे और उस समय पे मेरा मानना है वापस से इनमें बाइंग करनी चाहिए। ऊपर में 10-15% की बढ़त वापस से हमें देखने को मिल सकती है, बट एज ऑफ नाउ मुझे लगता है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग इन लेवल्स पे एडवाइजेबल रहेगी। जी, इस बीच थोड़ा सा आपको मैं मिड कैप में एक से एक फ्लेवर दिखाता हूँ जिनमें काफ़ी अच्छा खासा मूव है आज। परसेंटेज विनर सुनील हाईटेक सुबह से अगर आप देखें काफ़ी अच्छा खासा मूव लेकर आज, कल भी अपर फीस पे था, हालांकि सुबह बहुत तेज़ था लेकिन अभी उतना तेज़ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। फिर आप देखिए सुब्रोस को शानदार तेज़ी यहाँ पर, फेडरल मुगल ये काफ़ी अच्छा खासा अगर आप देखें मूव लेके कारोबार कर रहा है। फिर अगर आप देखें और अच्छी कैटेगरीज में, अगर आप देखें एप्टेक एजुकेशन स्पेस में 159.50 14 रुपये ऊपर रहा है। अब आप देखिए एप्टेक और एनआईटी की प्राइस परफॉर्मेंस में कितना बड़ा डिफरेंशियल क्रिएट हो गया। प्लीज़ अगर आप एक बार क्रॉस चार्ट दिखा सकें, बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया है। कुछ देर में जब कोई फंडामेंटल विशेषज्ञ होगा तो बात करूँगा, लेकिन आशीष दैट्स इनफ फॉर एप्टेक 159, या फिर आपको लगता है कि नहीं अभी पॉसिबल है यहाँ से और पैसा बनना? देखिए वीरेंद्र, बहुत स्ट्रॉन्ग मूव इस स्टॉक में ऑलरेडी आ चुका है और मेरा ये मानना है कि करंट लेवल्स पे 147 तक की डिप शायद वापस से देखने को मिले तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। 147 145 के जोन में अगर से स्टॉक मिलता है तो वापस वहाँ से लॉन्ग पोजीशन बनाइए। ऊपर में 200 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं और अगर से किसी का व्यू काफ़ी एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का है तो शायद उसको पोजिशन कैरी करना चाहिए और स्टॉप लॉस इस सिचुएशन में 140 का एक पोजिशनल स्टॉप इस स्टॉक के अंदर रखना चाहिए। इवेंचुअली मानना है स्टॉक 200 के स्तरों को छू सकता है। बिल्कुल। चलिए इस बीच कुछ और स्टॉक्स को देखते हैं जो हैवी मूवर्स हैं इस समय के, जहां पर बहुत अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। इन पर एक बार नजर डाल लेते हैं। एक तो है एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स, काउंटर 20% ऊपर है। प्रकाश स्टील 20% ऊपर, नेटको 17%, आलोक इंडस्ट्रीज 17% है और एक काउंटर जहां पर बहुत अच्छा मूव है सुब्रोस 17%, यूनिटेक 17%, बीएचईएल 16% एंड लुक एट द वॉल्यूम्स, ज़बरदस्त वॉल्यूम्स कैश में यहाँ पर देखने को मिली है। 6,56,00,000 शेयर्स का ट्रेड कैश में बीएचईएल पर और ये 15% ऊपर है। सुनील हाईटेक कल का मूव एक्सटेंड करते हुए 14% ऊपर इस समय ट्रेड करा है और ये राणे ग्रुप के जितने स्टॉक्स हैं इन सब पर आज भी बहुत अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। आशीष, टेक्निकल व्यू आपका है राणे ग्रुप के जो स्टॉक्स है उसमें जिस तरह का आउट परफॉर्मेंस चल रहा है इस समय? जी हाँ बिल्कुल मेहर, देखिए हमने बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम देखा है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन देखा है इनके मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में, चाहे वो राणे होल्डिंग्स हो, राणे मद्रास में भी हमने देखा स्टॉक अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई के आसपास आ रहा है। तो मेरा मानना है कि ये पूरा स्पेस, ये पूरा जो ग्रुप है इसके अंदर स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी और खासतौर पर राणे मद्रास जो अभी कुछ 450 के आसपास चल रहा है, यहाँ पर मेरा मानना है स्टॉक कम से कम 550 के स्तरों को क्रॉस कर सकता है। तो करेंट लेवल से अभी भी मुझे लगता है 20% 22% के अपसाइड राणे मद्रास लिमिटेड में हमें देखने को मिल सकती है। मेरे एक स्टॉक देखिए यूनिटेक करीब करीब 17% ऊपर मैं देख ही रहा था। सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है उसके बाद हमने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया चाहे मरो चाहे डूबो। वॉल्यूम देखें हमने ऑलमोस्ट 12 करोड़ शेयर का। चलिए इस बीच निपुण मेहता हमारे साथ एक बाजार के विशेषज्ञ हैं बात करने के लिए। निपुण गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। निपुण 9000 शायद एक औपचारिकता मात्र है, बस वो एक आंकड़ा है, लेकिन बात थोड़ी करते हैं इस मोमेंटम के जिस तीव्रता से बाजार आगे बढ़ रहा है। सुबह हमारे साथ कुछ और विशेषज्ञ भी थे, वो ये कह रहे थे कि शायद उनको नहीं लगता कि यूएस में जो रेट हाइक की प्रोसेस है वो बहुत जल्दी दस्तक देगी, और आई थिंक ये कंफर्ट दे रहा है सभी अगर आप देखें फंड्स को टू मोबिलाइज टूवर्ड्स टू गो टूवर्ड्स इंडिया और आई थिंक भारत में आने का, पैसा लगाने का। आप देखिए फॉरेक्स मार्केट से भी एक बहुत बड़ा इंडिकेटर मिला है, रुपए की स्ट्रेंथ को देखिए। आपको क्या लगता है निपुण, ये मोमेंटम अभी कंटिन्यू रहेगा? इस पर शक जाहिर करना अभी ठीक रहेगा क्या? देखिए ये मोमेंटम जो है क्लियरली लिक्विडिटी ड्रिवन है, और ये जो कंफर्ट लेवल फेड रेट हाइक नहीं आने का जो है वो सितंबर में कुछ पॉसिबिलिटी थी 30-40%, अब वो और भी घटती हुई दिख रही है। ये कैलेंडर ईयर में बढ़ने की संभावना दिख रही थी कि शायद नवंबर दिसंबर में इलेक्शन के बाद यूएस में इलेक्शंस हो जाएं, उसके बाद एक रेट हाइक हो, उसकी भी संभावना घटती हुई नज़र आ रही है। तो इसी वजह से जो भी लिक्विडिटी, ग्लोबल लिक्विडिटी है, ये इमर्जिंग मार्केट्स में फ्लो हो रही है, भारत में कहीं ज़्यादा फ्लो हो रही है बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज ऑफ क्लियर रिफॉर्म एजेंडा ऑफ द गवर्नमेंट। वैल्यूएशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी ग्रेजुअली स्ट्रेच होते जा रहे हैं, ऑलमोस्ट 24.5 टाइम्स FY16 अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। FY17 में किस तरह से अर्निंग्स पैन आउट होते हैं, उस बेसिस पे भी वैल्यूएशंस कुछ हद तक स्ट्रेच्ड लग रहे हैं, बट क्लियरली लिक्विडिटी ड्रिवन रैली। अंडर ओन स्टॉक्स हैं उनमें एक मूवमेंट देख रहे हैं, और एक रोल ओवर होते जा रहा है, सेक्टरल रोल ओवर होते जा रहा है। कल हमने बैंकिंग और ऑटोज में मूवमेंट, अच्छा मोमेंटम देखा। आई थिंक दिस मोमेंटम टू एन एक्सटेंट शुड कंटिन्यू, नो रीज़न कि एफआई लिक्विडिटी ड्राई अप हो जाए। शायद एक मार्केट्स को इस पर्टिकुलर लेवल पे कंसोलिडेट होते हुए ज़रूर देख सकते हैं, लेकिन द मोमेंटम लुक्स टू बी continuing unless there is any major negative announcement, शायद चाइना या जापान के सेंट्रल बैंक्स के जो भी अनाउंसमेंट्स आते हैं उनमें से कोई एक जो नेगेटिव अनाउंसमेंट नहीं आती है, तो यू कुड सी दैट मोमेंटम कंटिन्यूइंग फर्दर एज वेल। बिल्कुल, लेकिन निपुण एक चीज़ जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, आज देखिए BHEL, इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए। आज कंपनी के नतीजे आए, उम्मीद से बेहतर आए, मार्केट वैसे ही काफ़ी सप्रेस्ड था, जो बुल्स थे BHEL में वो काफ़ी सप्रेस्ड थे। दे नीडेड वन रीज़न टू पुल द स्टॉक अप। हमने SBI में देखा, बाकी PSU बैंक्स में भी देखने को मिल रहा है। पिछले हफ्ते इंफ्रा स्टॉक्स में खबर आई सरकार आर्बिट्रेज मनी जो है वो लौटाएगी। उसके बाद आप लुक एट HCC, पटेल इंजीनियरिंग, सुनील हाईटेक, सारे ही काउंटर्स। ये एक जो टेंडेंसी मार्केट की है कि जहाँ भी थोड़ी वजह मिलती है पॉजिटिव ट्रिगर की, यू नो जस्ट पुल अप दो स्टॉक्स विच वर लैगिंग बिहाइंड। ये अपॉर्चुनिटी अभी भी है या आर वी इन द लास्ट लेग? गुड क्वेश्चन मिहिर। एक्चुअली अगर ये सब मूवमेंट देखें तो मोस्ट ऑफ इट इज इन अंडर ओन्ड स्टॉक्स, मोस्ट ऑफ इट इज इन अ सिनेरियो की एक टर्न अराउंड सिनेरियो सेक्टर के लिए या इंडिविजुअल स्टॉक के लिए लग रहा हो, या बॉटमिंग आउट ऑफ वर्स्ट फेज हो, या बॉटमिंग आउट ऑफ अर्निंग्स हो, उसका इंडिकेशन अगर आता हो तो हमने देखा है कि एक टर्न अराउंड होता है। देर आर सेवरल लार्ज कैप्स, PSU ओन्ड और नॉन PSU ओन्ड, जिसमें भी लार्ज कैप्स एज वेल एज मिड कैप्स, जिसमें अभी भी इंडिकेशन नहीं आ रहे हैं। जैसे जस्ट एज एन एग्जांपल टेक द केस ऑफ ONGC, उसमें अपवर्ड मूवमेंट हुई है लेकिन एक बॉटमिंग आउट ऑफ अर्निंग्स यार एक सिग्निफिकेंट टर्न अराउंड नहीं दिख रहा है। तो एक उसमें सिग्निफिकेंट अंडर ओनरशिप अभी भी है, लेकिन हमने टर्न अराउंड, एक डिसिसिव टर्न अराउंड नहीं देखा है। उसी तरह शायद बेल में एक लग रहा है कि पोटेंशियली बॉटमिंग ऑफ अर्निंग्स हुआ है, तो उसकी वजह से एक हमने रैली देखी है। आई थिंक लुक एट इट फ्रॉम ऑल ऑफ दीज इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी आपने कहा, इट It's purely on the basis of that potential की इंडस्ट्री में या कंपनी में टर्नअराउंड ग्रेजुअल हो रहा है, उसका इम्पैक्ट होना अभी भी समय लगेगा, ये समझना जरूरी है. इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे आर्बिट्रेशन के अनाउंसमेंट के गवर्नमेंट के आर्बिट्रेशन रिलीज ऑफ आर्बिट्रेशन फंड्स का जो अनाउंसमेंट आया उसका एक्चुअली इम्पैक्ट आने में समय लगेगा. एप्लीकेशन ग्रेजुअली होगी, गवर्नमेंट पैसा देगी, उसके बाद जैसे जैसे फंड्स आते हैं एक डीलेवरेजिंग ऑफ बैलेंस शीट्स होगा. They'll probably be able to bid for newer projects. Execution जैसे जैसे होगा उसमें समय लगेगा, उसमें 6-8 महीने 1 साल निकल जाता है. तो एक बॉटमिंग आउट ऑफ वर्स्ट फेज जरूर है, लेकिन इसका मतलब जरूरी नहीं है कि एक टोटल टर्न अराउंड हो चुका है. एंड विच इज द रीजन वाई इस तरह के एक ब्लिप आने से, मोमेंटम आने से वन नीड्स टू बी कॉशियस बिकॉज द रिजल्ट्स आर नॉट गोइंग टू बी इमीडिएट. एंड आई वुड यूज दिस काइंड ऑफ रन अप और सिग्निफिकेंट मोमेंटम टू प्रोबेबली एटलीस्ट इन द स्मॉल कैप्स क्लीन अप द पोर्टफोलियो, जहां पे भी अभी भी इम्पैक्ट आने में साल भर का समय है. और ये भी जरूरी नहीं है कि साल भर के बाद भी इम्पैक्ट एक डिसिसिव आएगा, तो कॉशियस रहने की जरूरत है इसमें. जी निफ्टी इस बीच डेल ऊपर है 8918 पर, लगभग 24 अंक नीचे और 8971 अब तक. हालांकि इसने नहीं वॉलेट किया है, लेकिन अभी भी स्ट्रेंथ जिस खेमे में है, मैं निपुण शायद अभी तो नहीं, लेकिन सुबह जिस प्रकार से टाटा मोटर्स चल रहा था, उससे पहले जैसे मारुति चला. आप देखिए ऑटो एंसिलरी, टायर, बैटरी, बाजार ने पूरी की पूरी थीम पकड़ ली है. रोज़ बरोज़ इस 5-6 बास्केट में से भी, चाहे वो कॉमर्शियल व्हीकल हो, चाहे टू व्हीलर स्पेस हो, चाहे वो आप देखिए ऑटो, ये क्या कहते हैं आपका, बैटरी स्टॉक्स हो, टायर स्टॉक्स हो, ऑटो इंडस्ट्री, सबको पकड़ के एक ना एक दिन अगर आप देखें खींचते हैं. एज ए इन्वेस्टर अब कुछ बचा है इस स्पेस में निपुण, रिस्क रिवॉर्ड रेशो? वेल आई थिंक इंडिविजुअली देखें, स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो ऑफ कोर्स बोथ ऑटोज और ऑटो एंसिलरी में रनअप तो काफ़ी हुआ है, बट आवर सेंसेस अभी भी इसमें जगह है आगे जाके ग्रोथ की. जो इन सर्टन केसेस हमने 20-25% राइज देखा है, जरूरी नहीं है कि इन सर्टन केसेस इवन मोर, ऑटो एंसिलरीज में पर्टिकुलरली जरूरी नहीं है कि इसी तरह के गेंस हों. इनफैक्ट ऑटो एंसिलरीज में इन द लास्ट फ्यू मंथ्स लॉट ऑफ स्टॉक्स हैव डबल्ड. जरूरी नहीं है आगे जाके इसी तरह के गेंस हों, लेकिन आगे जाके जो आइदर वॉल्यूम नंबर्स आए हैं, जो सेल्स नंबर्स आए हैं ऑटोज़ के, या फिर इन सर्टन केसेस जो ग्लोबल सेल्स जहाँ पे हो रही है, एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, वहाँ पे एक ग्रेजुअल टर्न अराउंड दिख रहा है. वेदर यू लुक एट टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, ट्रक सेल्स, पैसेंजर व्हीकल सेल्स, इंडिविजुअली कंपनी के नाम नहीं लूँगा मैं, बट जो भी अनाउंसमेंट्स कल आए थे, इन रिसेंट टाइम्स आए हैं, आज सुबह किसी कंपनी का ट्रक सेल्स का फिगर आया था, ऑल ऑफ दीज आर ग्रेजुअली इंडिकेटिंग दैट एक टर्न अराउंड है. In anticipation of that, significant run up जरूर हो चुका है, so you could see that consolidation phase or that time correction happening. But clearly from these levels as well, अभी भी लग रहा है कि इसमें space है, अभी भी आगे जाके gains मिल सकते हैं, whether you look at autos or auto ancillary space. बिल्कुल. चलिए इस बीच हमारे साथ आशु मदान भी जुड़ा है, उनसे बात करते हैं. आशु शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए. आज दो बड़े इवेंट्स का इंतज़ार हमें था, एटलीस्ट यहाँ जी बिज़नेस में. एक निफ्टी पर 9000 होने का, और दूसरा ऑब्वियसली पूरी दुनिया को जिसका इंतज़ार है, आईफोन 7 का लॉन्च. और आईफोन 7 का लॉन्च तो कंफर्म है रात को, लेकिन निफ्टी 9000 आज हो नहीं पाया, एटलीस्ट अब तक तो नहीं हो पाया, बट इट्स विद इन हिटिंग डिस्टेंस आज, कल, परसों, वेन एवर इट हैपन्स. लेकिन आपका व्यू मार्केट पे क्या है? आर यू लिटिल कॉशियस? जैसे अभी निपुण आप जुड़े, उससे पहले निपुण बता रहे थे कि इफ़ यू प्योरली लुक एट द वैल्यूएशन टर्म्स तो थोड़ा सा कंसर्न लग रहा है उन्हें. आपका व्यू क्या है? सी आई थिंक मेरी जो वैल्यूएशन वाला कंसर्न है ये बिल्कुल वैलिड है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म में प्ले नहीं करता. ये आई थिंक एक मीडियम टर्म में होता है. जब लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर कोई, जब मार्केट में मंदी का दौर होता है या तेज़ी का दौर होता है, चाहे वो लिक्विडिटी की वजह से हो या किसी और वजह से हो, आई थिंक वो बाकी सारे लॉजिक्स डिफाई करता है. तो मुझे अभी भी कोई कंसर्न नहीं है. 8750 की हमने कई बार बात की कि वो ट्रिगर कटते ही अगर वो ऊपर का ब्रेकआउट होता है तो हम एक नया लेवल ऊपर का देखेंगे, और हमने जिस तरह से देखा किस वेंजेंस से मार्केट ऊपर गया है. और लेट मी टेल यू कि इस वेंजेंस से जब मार्केट ऊपर जाता है, चाहे वो वैल्यूएशन कंसर्न्स हो या बाकी चीज़ें हो या शेयर लेवल ऑफ निफ्टी हो ऑल टाइम हाई के पास, जो लेने वाला कॉन्फिडेंस होता है ना वो लोगों में बहुत कम है। इंस्पाइट आप और मैं जितनी बात करें, हम रेकमेंड भी करें कि नहीं यहाँ से बाइंग ही लेनी है, बाय एट एवरी डे पर मार्केट, बट अगर आप एक्चुअल यूजर के पास देखेंगे, एक्चुअल ट्रेडर को देखेंगे, आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चेहरे पर खुशियाँ नजर नहीं आएंगी आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। सो दैट रीइंस्टेट्स मोर कॉन्फिडेंस कि हायर लेवल्स अभी भी आने बाकी हैं। 9000 आज, कल, परसों, 10 दिन, 5 दिन फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि हम 9100 भी क्रॉस कर सकते हैं। सो आई थिंक 9000 वॉज ए ईयर एंड टारगेट जो मैं इस पूरे 2-3 महीने से लेके चल रहा था, लेकिन अभी ईयर एंड कैलेंडर ईयर से पहले ही, कई महीने पहले आई थिंक हमने 9000 टेक्निकली वी आर ऑलमोस्ट देयर। सो मुझे लगता है कि वी कैन सी सम कंसॉलिडेशन, बट जर्नी अपवर्ड ही है। जिस तरह से आप स्टॉक्स में देखिए, मतलब मिड कैप के स्टॉक्स या रिजल्ट्स के बाद भेल का स्टॉक देखिए या बाकी 10%, 15% कैन बैंक देखिए, ये बता रहे हैं कि किस तरह की या तो शॉर्ट पोजीशंस हैं या किस तरह की सीरियस बाइंग इनमें हो रही है। नहीं तो ये मूवमेंट इस तरह की नहीं आती है। ये क्लियरली शो कर रही है कि मार्केट बहुत स्ट्रांग हैंड्स में है और अच्छे स्टॉक्स अच्छी तेजी अभी भी आगे बनाएंगे। और ये जिस तरह का आज दिन देखने को मिला या फ्राइडे को देखने को मिला, ऐसे कई दिन और देखने को मिल सकते हैं जब चुनिंदा कुछ स्टॉक हमारे को मल्टी डिजिट इंट्रा डे रिटर्न हमारे को दे सकते हैं। सो आई थिंक दिस फिनोमिना आई फील विल कंटिन्यू फॉर सम मोर टाइम। लेकिन थोड़ा सा विचार को, बात को और थोड़ा बदलूंगा मैं और आप चलते हैं मिहिर के पास आईफोन की बात करने के लिए। भाई अपने पे तो सैमसंग है मिहिर, लेकिन आईफोन इसने अगर आप देखें एप्पल के लिए कैसे फॉर्च्यून्स बदल दिए। इन बीते 9 साल का आप सफ़र देखिए, मार्केट कैप, साथ ही साथ अगर आप देखें इनका जो एग्जैक्टली इन्होंने जो मार्केट कैप्चर कर रखा है, आज 2 ही नाम है दुनिया में, एप्पल और साथ ही साथ सैमसंग। लेकिन एप्पल के साथ साथ जो जुड़ा रहा, चाहे इनके सप्लायर्स हैं, इटसेल्फ एप्पल एज वेल, क्या कहानी रही बीते में 9 साल की माफ की जगह। बिल्कुल आप जाएंगे रात को खरीदने के लिए या फिर कोई विचार? बिल्कुल नहीं। लेकिन आईफोन, एक इंटरेस्टिंग डेटा निपुण मैं देख रहा था। आप एप्पल की मार्केट कैप देखिए, खैर वो कंपैरिजन वैसे तो एप्पल टू एप्पल आप कर ही नहीं सकते, लेकिन भारत की निफ्टी की सारी कंपनीज पुट टुगेदर आर स्टिल नोवेयर नियर वेयर एप्पल इज। ऐसी कोई प्रॉमिसिंग कंपनी या स्टॉक या फिर सेक्टर ऐसा कुछ भी दिख रहा है आपको जहाँ पे इस तरह के रिटर्न्स देखने को मिले? क्योंकि आप देखिए दिस एप्पल, ये सिर्फ एक कंपनी नहीं, इट स्टैंड्स फॉर इनोवेशन। जो यूएस की पकड़ है इनोवेशन पर, वो आई थिंक इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल, एप्पल से बेहतर नहीं हो सकता कोई। बिल्कुल आई थिंक मिहिर, एप्पल के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो उसमें तो कई स्टैटिस्टिक्स आ सकते हैं। प्रोबेबली इज द लार्जेस्ट फंड मैनेजर विद मोर देन और क्लोज टू $250 बिलियन ऑफ कैश ऑन द बैलेंस शीट। ऑल्सो अगर टॉप 3 कंपनीज गिने या सिर्फ एप्पल की लिक्विडिटी गिने तो इट्स गुड इनफ टू बाय आउट द टॉप 3 और टॉप 5 कंपनीज in terms of market capitalization on the Indian exchanges. So clearly it has been a winner. But from the domestic space, I think from the existing companies, I think the difference has always been between Apple or US-based companies, the extent of scale that they've built and the extent of scale that we've built in India. तो मेरी समझ से शायद उस तरह का स्केल जो अगर आए तो कोई टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी विच वुड बी प्रोबेबली अ स्टार्टअप, उसी में से शायद हम देखें। एग्जिस्टिंग कंपनीज प्योर आईटी कंपनीज हैं, उनमें तो यू ऑल्सो ऑलरेडी ऑफकोर्स सीन अ सिग्निफिकेंट राइज एंड उसमें एक लिमिटेड ग्रोथ आ जाता है पोटेंशियल। बट एनी ऑफ द डिजिटल टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज जो डोमेस्टिक स्टार्टअप्स हैं, उसमें शायद कोई एक ग्लोबल मेजर हो, उसकी संभावना आगे जाके जरूर हो सकती है। नथिंग कंपेयर टू व्हाट मार्केट कैपिटलाइजेशन एप्पल हैज, बट एटलीस्ट somewhere close to the e-commerce giants that are there globally, whether in the US, आप Alibaba की बात कर लें या Amazon की बात कर लें, somewhere close to that is something that you might just see. जी, I think Apple से एक उदाहरण और मिलता है मेरे। जब भी आप स्टॉक सिलेक्शन करें, एक ऐसी कंपनी ढूंढें जहाँ पर कैश फ्लोज काफ़ी अच्छे हों। फ्री कैश फ्लो जहाँ पर जिस कंपनी में अच्छा होता है, मैंने वो हमेशा स्ट्राइक करती रही हैं। अब आप देखिए इसका एक और उदाहरण भी है। आप देखिए जस्ट डायल को, एक क्या स्टोरी थी, लेकिन क्यों मैच्योर नहीं हो पाई, क्यों नहीं चल पाई? क्योंकि कैश फ्लोज नहीं थे। उतना स्ट्रांग अगर आप देखें कैश कमिटमेंट कंपनी दिखाई नहीं पाई। आशु, आई थिंक जो ही बात छिड़ी अभी यहाँ पर एप्पल से उदाहरण लेते हुए कुछ ऐसी ही कंपनी आइडेंटिफाई करना जो कि आपके लिए वेल्थ क्रिएट कर पाए, और यहाँ पे मैंने जो कैश फ्लो की बात करी, फ्री कैश फ्लो की बात करी, वो एक बड़ी, अगर आप देखें चीज़ हमेशा इन्वेस्टमेंट में, और इन्वेस्टमेंट जब के बारे में पढ़ाया जाता है हमको, तो ऐसी कंपनियां चुनें जिसका कैश फ्लो अच्छा हो, हमेशा कहा जाता है। आपके राय पे कुछ ऐसी कंपनियां हैं आशु? देखिए वीरेंद्र, ऐसी कंपनीज मतलब एप्पल, जो आपने अभी बोला एप्पल टू कंपेयर नहीं कर सकते हैं, मतलब वो एक सक्सेस स्टोरी, बट अगर आप उस तरह की बात करें तो आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें आपको ये मार्केट सिग्नल दे रही है। और अगर कैश फ्लोज की उस सेंस में बात करें, ऑटोमोबाइल और फार्मा दो सेक्टर ऐसे हैं जिन्होंने हमने पीछे देखा कि काफ़ी लीडरशिप ली है, और अभी भी जिस तरह से देखिए लीडरशिप, आप बिल्कुल जो कैश फ्लोज वाली भी बात की आपने और एक अपबीट इन इकोनॉमी वाली भी बात की, दोनों चीज़ें इसको सेटिस्फाई करती हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों सेक्टर में मैं बहुत बुलिश हूँ। मुझे लगता है कि फार्मा में भी कैचअप, एक नया मूव आने वाला है, और आप देखेंगे कि शायद अगले 15 दिन, महीना या 1.5-2 महीने में आप और हम ही शायद कभी इस चैनल पे बात कर रहे होंगे जब फार्मा बहुत बड़ा थीम बन जाएगा। ऑटोमोबाइल में हमने देखा कि, अगर मुझे लगता है कि शायद अभी मेरे को होश में याद है कि जब ये मानेसर में प्लांट में जब वो स्ट्राइक हुआ था और रॉइट हुए थे, 1400 रुपए का मारुति था, और आज आप देखिए कि क्या भाव है। एंड आई थिंक इट इज नॉट इवन 2 इयर्स। सो आई थिंक ये दो सेक्टर मुझे अभी लगते हैं जो कैश फ्लोज और एक बड़े सेक्टर बन सकते हैं आने वाले टाइम में। तो मुझे लगता है दोनों के साथ अभी भी बने रहना चाहिए। इससे हटके अगर आप एक सिक्लिकल में बात करें तो मुझे लगता है कि सीमेंट हैज ए लॉन्ग वे टू गो, एंड सीमेंट में मुझे लगता है कि एक सिक्लिकल के अंदर एक अच्छा मूव आ सकता है। बिल्कुल। खैर चलिए, इस बीच एक निपुण आपसे मैं आखिरी सवाल पूछूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने खास बात की। उन्होंने बहुत ही अहम चीज़ कही है, एक बार सुन लेते हैं वो क्या कहा उन्होंने, देन आई विल कम टू यू। देखिए, अभी तो एलपीजी पे सब्सिडी है, लेकिन विश्व बाजार को ध्यान में रखते हुए, और हमने कहा कि सब्सिडी धीरे धीरे कुछ चंद लोगों को दिया जाएगा। जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हीं को सब्सिडी दिया जाएगा, जो लोगों को ज़रूरत नहीं है उनको सरकार अभी निवेदन कर रही है, अभी कुछ छोटे मोटे दाम भी बढ़ा रहा है, लेकिन आगे चल के जरूरतमंदों को ही सब्सिडी मिलेगी, जिनको जरूरत नहीं है उनसे सब्सिडी नहीं मिलेगी। इसका क्लासिफिकेशन कैसे होगा सर? आपकी मदद चाहिए, आपके उसमें कम से कम डिबेट, मैं तो चाहता हूँ इस डिबेट को, क्या आज 1,500-2,000 रुपया की सब्सिडी सबको लेनी चाहिए? आपको लेनी चाहिए, मेरे को लेनी चाहिए? यही मुझसे मुख्य विषय है, हम उसमें एक वितर्क चाहते हैं। लेट मी एक्सपैंड दिस फॉर यू निपुण। इन्होंने पूरी बातचीत में ये कहा है कि आगे चल के सरकार की प्लानिंग ये है कि जो एलपीजी सब्सिडी है वो सिर्फ उन फैमिलीज़ को दी जाए हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन जितने लोग होंगे उन्हें सब्सिडी मिलेगी, बट पीपल हु आर अबव पॉवर्टी लाइन और फैमिलीज हु आर अबव पॉवर्टी लाइन, उन सब के लिए एलपीजी सब्सिडी ख़त्म कर दी जाएगी। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस खबर पर, ये हमारी एक्सक्लूसिव खबर है, इस पर और इसके बाद ऑयल एंड गैस स्टॉक्स पर आपका व्यू क्या होगा निपुण? देखिए, ये आई थिंक डेफिनेटली एक पॉजिटिव खबर है। हमने ये भी देखा है ग्रेजुअली कि ये एक ग्रेजुअल फेजिंग आउट ऑफ सब्सिडीज़ जो हमने पेट्रोल और डीजल में भी हम ग्रेजुअली देखते आ रहे हैं, उसी तरह गैस में, और शायद आगे जाके अगले कुछ सालों में केरोसिन में भी जो अगर आ जाता है तो एक बहुत पॉजिटिव हो जाएगा ऑयल एंड गैस कंपनीज के लिए। हमने ऑलरेडी टू दैट एक्सटेंट एक री रेटिंग होता हुआ देखा हुआ है ऑयल एंड गैस कंपनीज में, पर्टिकुलरली मार्केटिंग कंपनीज, और उनके जो बैलेंस शीट पे स्ट्रेस था वो ग्रेजुअली ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स ऐसे स्टेप्स से डेफिनेटली कम होता जाएगा। इसी वजह से हम एक री रेटिंग देखेंगे। सम एक्सटेंट ऑफ रन अप हैज ऑलरेडी हैपेंड, जिसकी वजह से एट द करंट लेवल्स आई वुड बी somewhat cautious, wait for a correction. Lekin as a space, definitely with reduction in subsidies and market-based pricing for most of the products, the fact that some of them are also undergoing fair amount of expansion, उसका एक benefit आगे जाते हुए सालों में हम positively देखेंगे। इस बीच आप देखिए जो ओएनजीसी है ना निपुण, खैर बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी इंडस्ट्रीज पे, सेक्टर्स पर निराला किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस बीच आप ओएनजीसी को देखिए 244.55 पे, ये ऑलमोस्ट CY16 के कैलेंडर वर्ष के सर्वोच्च स्तरों पर है। शानदार प्राइस बिहेवियर रहा है पिछले, अगर आप देखें अगस्त में इसका और अब CY16 के हाई पे। आशो, ओएनजीसी में कोई इंटरेस्ट है? इसके टेक्निकल परफॉर्मेंस में जो रही है बीते 1.5 महीने में, आपका इंटरेस्ट है 244 के प्राइस में? वीरेंद्र वैसे नॉर्मली नहीं रहता, लेकिन वन इन लाइन विद दिस मार्केट, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कैचिंग अप ज़रूर होगी। एंड दूसरा कुछ बस सुनने में आ रहा है, आई थिंक देयर इज़ सम इनफॉर्मल बस विच इज़ डूइंग द राउंड्स अबाउट ओएनजीसी, तो मुझे लगता है कि ये एक स्पाइक दे सकता है हमारे को इस लेवल से। सो आई थिंक इन द मनी कॉल्स लेके शायद इसमें एक रिस्क लेना चाहिए और एक्सपायरी तक छोड़ देना चाहिए, हो सकता है हमें एक पॉजिटिव सरप्राइज मिल जाए। सो आई थिंक दैट इज़ द वे टू प्ले ओएनजीसी दिस एक्सपायरी। ओके आशीष, इस स्पेस में बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, रिलायंस ठंडा पड़ा हुआ है यहाँ पर, और एक ये आपका हो गया ओएनजीसी। इस बास्केट में क्या ट्रेड करेंगे आप? देखिए डेफिनेटली ओएनजीसी ट्रेड करूंगा, क्योंकि स्ट्रेंथ उसी में विजिबल हमें नज़र आ रही है। बहुत लंबे समय के कंसोलिडेशन के बाद ये मूव आया है। ओएनजीसी में मेरा मानना है 265 270 के टारगेट्स नेक्स्ट 2 से 3 हफ्तों में देखने को मिल सकते हैं, तो क्लियरली एक लॉन्ग बेट है। और डाउन साइड में मेरा मानना है 240 का एक स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग पोजिशन बनानी चाहिए। 265 से 270 के टारगेट्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। बिल्कुल, चलिए इस बीच एक बार देख लेते हैं। निफ्टी करीब 20 पॉइंट नीचे 89,222 पर है इस समय। पॉकेट्स में अच्छी बाइंग देखने को मिली। एक बार स्पाइसजेट को देख लेते हैं। स्पाइसजेट करीब 8-9% ऊपर था। और एविएशन में आशु आपका व्यू क्या है इस समय? एविएशन में भी पॉजिटिव व्यू है। आई थिंक सी एविएशन में अगर आप ओवरऑल फुटफॉल की एंगल से देखें तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा हेडरूम है हमारे पास अवेलेबल है। एंड इन दिस लो ऑयल रिजीम, प्राइस रिजीम में आई थिंक दिस बेनिफिट विल कंटिन्यू टू कम। आई थिंक इफ यू लुक एट दी अदर, अगर आप कंपेयर करें बाकी एमर्जिंग मार्केट से या बाकी कंट्री से, मतलब आई मीन एशियन कंट्री से, आई थिंक द परसेंटेज पॉपुलेशन विच इन इंडिया इज, देयर इज अ लॉट ऑफ हेडरूम अवेलेबल विच विल ग्रेजुएट फ्रॉम अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू एविएशन। सो आई थिंक एविएशन सेक्टर कंटिन्यूज टू आई मीन लुक्स पॉजिटिव। एंड मेरे को मतलब हर डिप पे लेना चाहिए ज़रूर। बीच बीच में खबरें ऐसी आती हैं या क्वार्टरली रिजल्ट्स कभी ऐसे आते हैं कि हमारे को बॉदर करते हैं, डिजर्व करते हैं, और इसमें करेक्शन देखने को मिलती है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर अच्छे डिप्स आए तो इनमें ऐसे स्पाइक्स भी देखने को मिलेंगे। अगर ओवरऑल एविएशन उस हिसाब से ज़रूर एक बाई है। जिन स्टॉक्स ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं उनको आप देखिए, पिछले 6 महीने में ही वी गार्ड इंडस्ट्रीज़ ने ऑलमोस्ट 117% का रिटर्न और डिलीवर किया है 6 महीनों में। सिमिलरली वेदांता, इसे आप देखिए, इसने जो रिटर्न डिलीवर किया है वो 118% के आसपास का है। 6 महीने में 118% का रिटर्न इसने दिया है। GNFC, इसने भी बहुत अच्छा रिटर्न डिलीवर किया है, करीब 115% का रिटर्न GNFC ने डिलीवर किया। ये कुछ स्टॉक्स हैं जिन पर बहुत अच्छा रुझान देखने को मिला है। Edelweiss 112% का रिटर्न इन्होंने डिलीवर किया है। आशीष, इनमें से कोई स्टॉक है क्या आपके रडार पर? किन स्टॉक्स के बारे में बात की आपने मिहिर? वेदांता, ये सारे स्टॉक्स जिन्होंने पिछले 6 महीने में बहुत आउट परफॉर्मेंस दिया है। बीट, वी गार्ड, वेदांता, ईडलवाइज, मनापुरम फाइनेंस। देखिए बिल्कुल मेरा मानना है कि ये इनके अंदर एक जो ट्रेंड बना हुआ है, खासतौर पे स्टॉक जैसे मन्नापुरम ने बहुत लंबे समय के बाद अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को टेस्ट किया था और अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ देखने को मिली। तो मेरा मानना है कि मन्नापुरम एक कम से कम 30 से 40% की बढ़त और करंट लेवल से हमें दिखा सकता है, तो क्लियरली यहाँ पर मुझे अच्छी स्ट्रेंथ नज़र आती है। सेकेंड है मेटल स्पेस, तो मेटल्स में भी मेरा मानना है कि स्टॉक्स जैसे कि टाटा स्टील की बात करें या अब PSU बास्केट में सेल की बात करें तो इन स्टॉक्स के अंदर स्ट्रेंथ अच्छी बनी रहेगी। वेदांता, केन भी मुझे अच्छे लगते हैं, बट कंपैरेटिवली मेरा मानना है कि टाटा स्टील, सेल और साथ ही साथ हिंडाल्को, इन 3 स्टॉक्स के अंदर मेटल स्पेस में कम से कम 8-10% की बढ़त करंट लेवल से हमें देखने को मिल सकती है। चलिए अभी मेहर जिक्र कर रहे थे यहाँ पर एविएशन का, एविएशन से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं। अब एक बार थोड़ा सा आई मीन वाइल्ड स्विंग वाले काउंटर्स, आशु इन पर आपकी राय चाहूँगा मैं। आई मीन पटेल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में, रोड कंस्ट्रक्शन स्पेस में इसने धूम मचा के रखी है पिछले 4-5 दिन से। फिर अगर आप देखें जैन इरीगेशन, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा। और फिर आप देखिए एक और स्टॉक जुबिलेंट इंडस्ट्रीज़, ये 236 के स्तर पे एनएमडीसी ने काफ़ी अच्छा मूव दिया है 208 के बाद। और एनएमडीसी देखिए इस वक्त ऑलमोस्ट 52 हफ्तों के नए उच्चतम स्तरों पर है एनएमडीसी। आशु, इनमें से कोई स्टॉक खास स्ट्राइक करता हुआ? जैन इरीगेशन एंड एनएमडीसी दोनों स्टॉक बाय लिस्ट में है हमारी, बाय रिकमेंडेशन में है। और जैन इरीगेशन में आई थिंक मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इस स्टॉक में री रेटिंग इफेक्ट और देखने को मिलेगा। So I think positive re-rating हुई है stock की, so we could see much higher levels coming in Gen irrigation and NMDC is also हमारी buy list में है and it should continue to do well. ये दोनों ही नए इनफैक्ट नया हाई हिट किया है. एक बार देख लेते हैं बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन को, काउंटर 15% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है, नया हाई हिट हुआ है 586 पर, ये काउंटर इस समय ट्रेड कर रहा है. बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, आशु कैसा लगता है आपको फ्रॉम वैल्यू पर्सपेक्टिव लुकिंग एट द होल्ड दे हैव? अमीर ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा इसको ट्रैक नहीं किया और बहुत ज़्यादा मतलब फ्रंट ट्रैकिंग लिस्ट में नहीं है, सो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल मैं कमेंट नहीं दे पाऊँगा इस पर. चलिए एक दो स्टॉक्स को और देख लेते हैं. इस बीच निफ्टी में जो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट है, सबसे ज़्यादा सॉफ्टनेस वाले काउंटर्स में आज येस बैंक सबसे ऊपर है, 42 रुपये नीचे है. इसे कैंडल रिवर्सल की संख्या तो नहीं देंगे, लेकिन हाँ थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग हो रही है. एचडीएफसी, एशियन पेंट्स, टाटा पावर, टेक महिंद्रा, बीपीसीएल, ये अगर आप देखें सॉफ्टनेस के साथ खड़े हैं. एक्सिस बैंक भी अगर आप देखें थोड़ी सी सॉफ्टनेस दिखा रहा है, सेम इज द केस विद टीसीएस, ग्रासिम आइडिया अगर आप देखें. फिर मैं चलता हूँ थोड़ा सा मिड कैप में. मिड कैप में वो स्टॉक्स जो कि स्ट्राइक कर रहे हैं आज और अच्छा वॉल्यूम्स भी जनरेट कर रहे हैं. एक आलोक इंडस्ट्रीज छोटा स्टॉक है लेकिन स्किप करता हूँ उसको यहाँ पर. आई मीन अशोक लेलैंड 8850, एप्टेक ऑटो, एप्टेक ग्रुप की बात कर ही चुके हैं, अच्छा तेज़ यहाँ पर है. बीएचईएल 159.60 पे ऑलमोस्ट डे हाई पे. बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कंपनी 14 रुपये ऊपर कारोबार कर रहा है, इसमें भी अच्छा तेज़ी है. बैंकिंग को छोड़ता हूँ, बैंकिंग को स्किप करता हूँ, बैंकिंग पूरा का पूरा वाइब्रेंट है. कोई और स्टॉक जिसमें अच्छी तेज़ी है, एफडीसी, ये स्टॉक भी तेज़ है. ग्लोबल ऑफशोर करीब 10% ऊपर है, अच्छा मूव यहाँ पर. और साथ ही साथ हिंद कॉपर ये करीब 4.5% 5.5% ऊपर है. और कोई स्ट्राइक करने वाला, एक इंडियन होटल्स को देखते हैं, 135 पर रहा है. आशीष, इंडियन होटल्स काफ़ी दिनों से एक रेंज में स्टक है, कोई आपका व्यू यहाँ पे इस स्टॉक पे, कोई पॉसिबिलिटी है ट्रेड की? नहीं वीरेंद्र, देखिए ओवरऑल ट्रेंड ठीक है बना हुआ, बट ट्रेडिंग बेट के नज़रिए से मैं इसको अवॉइड करूंगा. डेफिनेटली अगर से किसी का लंबा नज़रिया है और होल्डिंग का, तो डेफिनेटली उसको 150, 155 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, बट एज अ ट्रेडर मैं इसको अवॉइड करूंगा. और मेरा मानना है कि एक पिक जो मुझे लगता है ट्रेडिंग बेट पर काफ़ी अच्छी लग रही, वो है मदरसन सूमी का स्टॉक. देखिए इसके अंदर में आज हमने देखा करीब 9% का इजाफा ओपन इंटरेस्ट में हो चुका है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस अब 325, 326 के जोन में बन चुका है. तो मेरा मानना है ये स्टॉक बहुत ही जल्दी 360 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है, तो ये एक अच्छा ट्रेडिंग बेट मुझे लगता है नेक्स्ट 3-4 दिनों के नज़रिए से नज़र आता है. और एक दो स्टॉक्स को देख लेते हैं जिनमें अच्छा खासा मूव है. एआईएच के बाद आप देखिए एक कावेरी सीड्स. आज एक और चीज़ मैं आई थिंक कहना भूल गया यहाँ पर, आई थिंक वो है फर्टिलाइजर स्पेस. आज फर्टिलाइजर स्पेस ने जो स्टॉक्स अपना डेरिवेटिव्स में है अपनी तरफ काफ़ी ओपन इंटरेस्ट खींचा भी है, तो एक उस पर भी नज़र रख के चलिएगा जरा. पूरा एक बार फर्टिलाइजर्स भी रहेंगे, दीपक फर्टिलाइजर्स हो गया, आपको देखिए एसआरएफ हो गया, एनएफएल, जीएसएफसी, ये दो स्टॉक्स बैकफुट पे है, लेकिन दीपक फर्टिलाइजर ने अपनी तरफ अगर देखिए अच्छा वॉल्यूम्स भी खींचा है. बहुत संक्षेप में आशु, इस स्पेस में कोई आपका फेवरेट स्टॉक? नहीं ऐसा कोई फेवरेट स्टॉक तो नहीं है, बट ओवरऑल स्पेस मुझे लगता है कि कंड्यूसिव है करंट इन्वायरमेंट के लिए, और अगर पेशेंटली होल्ड किया जाए तो फॉर ए चेंज थोड़े से रिटर्न्स ज़रूर मिल सकते हैं, बट थोड़ा सा इन लाइन विद मार्केट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब मार्केट जिस तरह से चलती है तो हमें भी लगता है कि जिस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी में उछाल आ रहे हैं, तो हमारे सारे पोर्टफोलियोज भी उसी स्पीड में बढ़ने चाहिए. तो आई थिंक वो स्पीड थोड़ी इसमें डिफरेंट रह सकती है, बट ओवरऑल अभी थिंग्स आर पॉजिटिव. बिल्कुल, चलिए इस बीच ये देख लेते हैं कि जो मिड कैप काउंटर्स हैं उसमें इस समय रुझान किस तरह का देखने को मिल रहा है, बिकॉज आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक देखने को मिला है मिड कैप्स में. इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस ज़रूर ऐसा है जिसमें सारे ही स्टॉक्स बारिंग एचसीसी जो कि प्रॉफिट टेकिंग देख रहा है, ऑलमोस्ट सभी में बहुत अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है. आशु, यहाँ पर आपकी कंफर्ट अब है जिस तरह का री रेटिंग हमने देखा, बीट पटेल इंजीनियरिंग, सुनील हाईटेक, इन सारे ही स्टॉक्स में जिस तरह का मूव देखने को मिला. एचसीसी ज़रूर थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग इसमें देख रहा है, या फिर पुंजलॉयड, पर वुड यू बाय दी स्टॉक्स? नहीं मेर, आई थिंक ये अभी जैसे मैंने बोला कि तेज़ी मंदी में सब सेक्टर या सब उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, सो अभी भी मेरे को रिलायंस इंफ्रा में एक ट्रेडिंग प्ले अवेलेबल था, शायद ट्रेडिंग से ज़्यादा भी अवेलेबल हो, बट आई थिंक वो एक रिकमेंडेशन लास्ट वीक हमने दी थी और उसमें प्रॉफिट बुकिंग भी कर ली है। बट अदरवाइज आई थिंक अगर मुझे ये इंफ्रा प्ले भी करना है तो आई वुड स्टिल बी कंफर्टेबल गोइंग विद सीमेंट सेक्टर देन डायरेक्टली विद इंफ्रा। तो मुझे इंफ्रा में अभी भी उस तरह का कॉन्फिडेंस नहीं है, और या प्रॉब्ली एक फियर है कि अगर मार्केट में कहीं करेक्शन आई तो द अफेक्ट इन दिस सेक्टर वुड बी मच हायर देन द रेस्ट। चलिए अब यहाँ से रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का, आज की फाइनल बैट। बताइए। बिल्कुल, एक स्पेस और बहुत एक्टिव है मार्केट में, वो है टेक्सटाइल स्टॉक्स। आज जबरदस्त मोमेंटम में और इसी में मैंने चुना है मुरारजी टेक्सटाइल, जिसमें यहाँ से तेजी भी और बढ़ती हुई नजर आएगी। 4 दिन गिरावट थी लेकिन अब निचले से बहुत स्ट्रांगली और स्मार्टली पुल बैक दे रहा है, जिसको नए लेवल तक ले जा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि 54 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं इमीडिएट टर्म्स पे। 47-48 के आसपास मजबूत बेस बनाया और लगातार कंसेक्यूटिवली सेकंड वीक है जहाँ पर इस स्टॉक पे अच्छी एप्रिसिएशन देखने को मिल रहे थे। हाल फिलहाल में जो नतीजे आए थे वो भी काफी एनकरेजिंग थे, जिसमें ऑपरेटिंग मुनाफा 22% वायनवाय बेसिस पे और मुनाफे फिगर तो लगभग 3 गुना हो गई थी वायनवाय बेसिस पे Q1 के नतीजे। तो अच्छे सेट, गुड सेट ऑफ रिजल्ट्स। और टेक्सटाइल्स में जो छोटे मझौले शेयर्स हैं जैसे कि डिग जैम, मुरारजी टेक्सटाइल्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो बाजार पे आज चेज हो रहे हैं और ये स्टॉक जो है ये नए लेवल्स छू सकता है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में आ सकता है। 54 का इमीडिएट टारगेट। बिल्कुल, तो मुरारजी टेक्सटाइल्स पर नजर रखिए, काउंटर फिलहाल 9% ऊपर अच्छे स्पर्ट के साथ इस समय चल रहा है। 10% से ज़्यादा की तेज़ी अब यहाँ पर देखने को मिल रही है, यानी 53 के आसपास ये ट्रेड करते हुए। आप आशीष इस काउंटर को ट्रैक करते हैं, क्या व्यू है आपका? जी देखिए, पूरा जो हमने देखा है कि टेक्सटाइल स्पेस में एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली और खास तौर पे अरविंद इसमें एक लीडर है जो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। अगर से मुरारजी को भी हम देखें तो मुरारजी में बहुत ज़बरदस्त एक वॉल्यूम्स हमें देखने को मिले। मेरा ये मानना है स्टॉक अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को क्रॉस करेगा जो कि करीब 62-63 के आसपास है, तो ये लेवल्स इस स्टॉक के अंदर में क्रॉस होंगे और उसके बाद मुझे लगता है कम से कम 70-75 का एक पोटेंशियल टारगेट नेक्स्ट 3 महीनों के अंदर में मुरारजी के अंदर देखने को मिल सकता है। तो ये कम्प्लीटली एक बाय एंड होल्ड स्टॉक रहेगा और नीचे में मेरा मानना है 45-47 के आसपास एक स्ट्रांग बेस बन चुका है, तो उन लेवल्स के नीचे अगर से स्टॉक ट्रेड होता है तो वहीं पे पोजीशंस एग्जिट करनी चाहिए। अदरवाइज इट्स अ गुड स्टॉक जिसके अंदर में अच्छे अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। एक बात और है, अगर आप देखें आज एक और स्टॉक जो स्ट्राइक कर रहा है वो है सेल। 52 रुपये पे ये CY16 के नए हाई पर है। बहुत सारे अगर आप देखें स्पेकुलेटर्स, ट्रेडर्स और आई थिंक मोमेंटम जो प्लेयर्स होते हैं, आशु बहुत दिनों से सेल को लेकर बात कर रहे हैं कि भाई इसमें एक तेज़ी ड्यू है, इस पर नज़र रखिएगा। एंड स्पेशली नाउ ये जब 50 के ऊपर है, आपको कोई एज ए ट्रेडर, आई मीन फिर कह रहा हूँ कोई फंडामेंटली बहुत बड़े बदलाव नहीं हुए हैं, कोई ट्रेडर आपको अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है आशु इसमें? वीरेन, अगर अपॉर्चुनिटी नज़र भी आ रही है तो मैं सेल में नहीं करूँगा क्योंकि अगेन अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है। मुझे लगता है कि जिस तरह से मेटल सेक्टर में तेज़ी आई है उसकी थोड़ी सी कैचिंग अप चल रही है इसमें। कब वो कैचिंग अप खत्म हो जाएगी, क्योंकि अभी जितने भी सेक्टर्स की बात की आई थिंक एज ऑफ नाउ करंटली अगर आई एम सर्कमस्पेक्ट तो वो मेटल में है। मुझे लगता है मेटल की तेज़ी ऑलमोस्ट ऊपर हो चुकी है। अगर आप वैसे भी स्क्रीन भी देखें जिसको आप बहुत अच्छी तरह से परखते हैं, लास्ट 2 दिन में जिस तरह से तेज़ी आई है, 4 दिन में तेज़ी आई है, मेटल स्टॉक्स अपने जो हाइज बना के उनसे मेरे ख्याल एटलीस्ट 5 से 10% या मतलब कुछ परसेंटेज ऊपर नीचे करेक्ट होके खड़े हैं, जिसमें आप VDL की बात करें या हिंडाल्को की बात करें। तो मुझे लगता है मेटल जो सेक्टर है आई थिंक उसकी तेज़ी एक बार को ओवर हो चुकी है या थम चुकी है। सो आई थिंक, और उसमें भी जो वीकर स्टॉक है मैं उसको एक नए ट्रेड के लिए लॉन्ग नहीं कर सकता, एज ए डिसिप्लिन मैं नहीं जाऊंगा उस पर लॉन्ग। जी, इस बीच एक बार देख लेते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा को। कंपनी कल ओला के साथ एक ख़ास करार कर सकती है जिसके तहत जो ओला की फ्लीट कैब्स होंगी वो महिंद्रा एंड महिंद्रा प्रोवाइड करेगा। कल इसकी घोषणा हो सकती है। हमने कुछ समय पहले इनफैक्ट डॉक्टर पवन गोयनका से खास बात की थी, तब उन्होंने इसके संकेत भी दिए थे। एक बार सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। जितने भी कार कंपनियां हैं आज, वो सभी कार कंपनियां आई एम श्योर ओला, उबर या ज़्यादा एग्रीगेटर्स जो भी हैं उनसे बात ज़रूर करते हैं, क्योंकि एक वो बहुत बड़े कस्टमर हो गए हैं हमारी गाड़ियों के लिए और इसलिए वो गाड़ियाँ बात चलती रहती हैं। सब कुछ न कुछ एक स्ट्रेटेजिक टाई अप भी करना चाहेंगे, कुछ टैक्टिकल टाई अप करना चाहेंगे, कुछ सिंपली ट्रांजेक्शनल रिलेशनशिप रहेगा। तो हम सबसे बात कर रहे हैं। तो कल इसकी घोषणा हो सकती है, लेकिन देखिए ऑटो में फोकस अगर कहीं पर है तो वो महिंद्रा से ज़्यादा है टाटा मोटर्स पर इस समय। पर पहले महिंद्रा पर एक व्यू लेते हैं आशु। अब मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, एक समय ये तीनों कहीं ना कहीं दे यूज टू बी इन द सेम ब्रैकेट, बट द वे मारुति आउट परफॉर्म्ड फॉलोड बाय टाटा मोटर्स, अब क्या व्यू है आपका इन तीनों स्टॉक्स पर? देखिए अभी भी मैंने बोला ऑटोमोबाइल सेक्टर, जो मैंने अभी प्रोग्राम की शुरुआत में की कि ऑटोमोबाइल और फार्मा ये दोनों बहुत ही मुझे नेक्स्ट लेवल पे स्ट्रांग लग रहे हैं। हैविंग सेड दैट, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने डेफिनेटली अंडर परफॉर्म किया है, फ्रस्ट्रेट किया है, क्योंकि ये 1500 पार ही नहीं करता। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह की जर्नी स्टार्ट हुई है, आप ये देखिए कि अभी भी अब जो फ्रंटलाइन जिस तरह चल रहे हैं, जिस तरह की जो तेज़ी है वो एक सेक्युलर टर्न ले रही है, मतलब अभी सेकुलर तेज़ी नहीं कह सकते लेकिन सेकुलर टर्न ले रही है। इसमें आप देखिए कि सेक्टर में जो थोड़े से नॉन परफॉर्मिंग या अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स थे, अगर ओवरऑल कुछ गलत नहीं है तो वो भी परफॉर्म करेंगे। तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि इन द नेक्स्ट 3 to 5 सेशन यू विल सी महिंद्रा एंड महिंद्रा एक अच्छा मूव हमारे को दे। सो आई थिंक ये कैचिंग अप ज़रूर होनी है, ड्यू है, शायद ओवर ड्यू है, एंड महिंद्रा डेफिनेटली विल गिव यू दैट विंडो कि जब आपको स्पाइक देखने को मिलेगा। चलिए, तो ये था M&M पे आशु का आउटलुक, लेकिन इसके बीच एक दो स्टॉक्स और देख लीजिए जिस पर वेल्सपन इंडिया अब 59 रुपये के स्तर पे 5% तेज़, यहाँ पर 49 रुपये से चलता 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 अगर आप देखें तो आज ऑलमोस्ट ये स्ट्राइक कर चुका है 59। और एक दो स्टॉक्स को देख लीजिए, एक जिसमें अच्छी तेज़ी है सिंजन को देखिए, आज 15 रुपये ऊपर 490 के स्तर पर, ऑलमोस्ट आज 510 का अपने ट्रेडिंग कर नया हाई लगाया इसने। अब टेक्निकली अगर ट्रेड करना हो तो आशीष, यू विल प्रेफर बायोकॉन और सिंजन? देखिए दोनों एक अलग मैं समझता हूँ ट्रेडिंग स्टाइल के स्टॉक्स हैं, क्योंकि बायोकॉन देखिए एक एफ&ओ में है तो डेफिनेटली लीवरेज ट्रेडर्स वहाँ पे प्ले कर सकते हैं और 1-2% के मूव में भी लोग वहाँ पर एक्टिव रहते हैं। पर सिंजन डेफिनेटली जब तक कि एक अच्छा अपसाइड 5-7-8% का ना देखने को मिले तो सिंजन को अवॉइड करना चाहिए। बट डेफिनेटली जिस तरह का स्ट्रक्चर सिंजन का बना हुआ है उसको देखते हुए मुझे लगता है 530-540 के लेवल्स आने वाले दिनों में सिंजन के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो सिंजन काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगता है, आज भी हमने देखा एक अच्छे वॉल्यूम के साथ में बढ़त हुई है। तो ओवरऑल 470 के लेवल्स जब तक स्टॉक में होल्ड करते हैं तब तक मुझे लगता है सिंजन कम से कम 15-20% की बढ़त करंट लेवल से और ऊपर की ओर दिखा सकता है। यहाँ इस बीच अगर आप देखिए निफ्टी डे लो की तरफ है तो निफ्टी बैंक से अगर आप देखें प्रेशर आ रहा है। निफ्टी बैंक अपने इंट्राडे बढ़त का अगर आप देखें बहुत कुछ गवा चुका है। निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट इस वक्त लगभग 23 अंक नीचे एट 20,384 का अभी कुछ देर पहले लो लगाया, अभी करीब 20,402। तो आज का हाई था करीब 20,575, सप्लाई थोड़ी हायर लेवल से आई है। आज प्राइवेट बैंकिंग बास्केट पूरा का पूरा प्रॉफिट बुकिंग के दौर में है। यस बैंक, कोटक, इंडस, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक और सिर्फ सरकारी बैंक्स एसबीआई, पीएनबी और बीओबी, ये अगर आप देखें अपने आप को कमांडिंग स्थिति में रखे हुए हैं। आशीष, इसमें से कुछ कैरी करेंगे आप कल के लिए? देखिए मैं मुझे लगता है पीएसयू बैंक सभी फ्लेवर में रहेंगे और यहीं पे एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। उसके अंदर में मुझे लगता है पीएनबी काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे 150 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 137 के एक स्टॉप लॉस से मैं समझता हूँ पीएनबी के अंदर लॉन्ग पोजिशन बनाई जा सकती है। बिल्कुल सही। कोई जल्दी से कोई BTST कॉल आप देना चाहेंगे आशीष? जी हाँ, जैसे मैंने कहा मदरसन सुमी ये एक BTST कॉल है। यहाँ पे मुझे लगता है 360 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 328 का एक स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग पोजीशन मदरसन सुमी में भी बनाई जा सकती है। इस बीच आपकी स्क्रीन पे स्पाइसजेट यहाँ पे नंबर आए हैं और 149 करोड़ रुपए का मुनाफे का आंकड़ा आया है। और प्राइमा फेस अगर आप देखें इस बॉटम लाइन के आंकड़े पे आई थिंक स्ट्रीट ने अच्छा रिएक्शन दिया। मेरे 6450 अभी कुछ देर पहले आप ये एविएशन की बात कर ही रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, और ये जो आंकड़ा है आई थिंक इट वोंट गिव एनी डिसअपॉइंटमेंट ऑल्सो। स्ट्रीट को 13 से 14% का मूव यहाँ पर देखने को मिला है। 73 करोड़ से बढ़ के 149 करोड़ का मुनाफा, नॉट अ बैड डील। 14% ऊपर स्पाइसजेट, इस पर और बात करेंगे लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि कल के लिए BTST कॉल्स कौन सी हैं। साक्षी बताइए। शुक्रिया मिहिर। शुरुआत करेंगे लोकेश उपल की तरफ से जो 2 कॉल्स आई हैं। एनएमडीसी पर ये पॉजिटिवली बेट कर रहे हैं, खरीदारी के लिए टारगेट्स बताया 120 के, स्टॉप लॉस हमें 107 का लगाना है। साथ ही अवंती फीड्स पर भी ये BTST ट्रेड रिकमेंड किया है उन्होंने, टारगेट्स 565 के बताए हैं, हमें स्टॉप लॉस लगाना होगा 543 का। 2% तक की तेजी देखने को मिल रही है। आशीष ख्याल की तरफ से विंडो कॉल्स हैं। पंजाब नेशनल बैंक पर ये बैट कर रहे हैं। टारगेट्स यहाँ पर 149 के बताए हैं, जो हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा वो 133 का होगा। साथ ही ग्लेनमार्क पर ये BTST ट्रेड उन्होंने रेकमेंड किए हैं, जो टारगेट्स बताए हैं खरीदारी के लिए वो 920 के हैं। स्टॉप लॉस हमें नीचे में 845 के मेंटेन करने होंगे। चंदन तापरिया की तरफ से जो दो कॉल्स आई हैं उनमें पहली पिक माता संसुमी की है, खरीदारी की राय, टारगेट्स बताए हैं 345 के, स्टॉप लॉस हमें नीचे में 327 का मेंटेन करना होगा। और आखिरी पिक इनकी मैक्लोड रसल की है, खरीदारी की सलाह, टारगेट यहाँ पर 196 का बताया और स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना होगा 182 का। जी हाँ, तो अगर आप देखें कुछ ट्रेड्स थे और इस बीच कुछ BTST ट्रेड्स के साथ साथ अगर आप देखें कुछ ट्रेडिंग एरियाज और देखिए आपके स्क्रीन पे। पुष्कर आज का नित्य मानते हैं कि आपको मदरसनसूमी खरीदना चाहिए। अच्छा स्टॉक इस वक्त टेक्निकली और करीब 345 के लक्ष्य के लिए 325 का स्टॉप लॉस लगाकर। इनका दूसरा ट्रेड है वो है टाटा स्टील बाय विद पॉसिबल टारगेट ऑफ 421, स्टॉप लॉस 372 390 पे कारोबार कर रहा है इस वक्त। और उसके बाद तीसरा ट्रेड है पुष्कर आज का नित्य का, वो है श्रीराम ट्रांसपोर्ट। लगभग 1180 के लक्ष्य के लिए आपको शॉर्ट करना है, इसे शॉर्ट कॉल है, और 1240 का यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा 1206 पे कारोबार करें। लेकिन अगर आप देखिए, अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमसे, कोई पूछना चाहते हैं ट्रेड, टारगेट, स्टॉप लॉस, एक्यूमुलेशन जोन, तो आप नंबर आपकी स्क्रीन पर है 7840020000। लेकिन इस बीच आप देखिए स्पाइसजेट के नंबर्स के साथ साथ अगर आप देखें हमें 73 करोड़ से जहाँ मुनाफा बढ़कर लगभग 149 करोड़ रुपये हो गया। आई थिंक ये नंबर्स जो हैं वो ड्राइव कर रहे हैं अपने साथ पूरे के पूरे बास्केट को, एविएशन बास्केट को। एचटेक स्पाइसजेट के साथ साथ जेट एयरवेज स्पाइसजेट डे हाई पर 6460 पे। महज 2 साल में एक नाम ने, एक शख्स ने, अगर आप देखें कैसे एक बार फिर से स्पाइसजेट को मिहिर बदल दिया। याद है आपको 2000 लास्ट टू लास्ट दिसंबर जब इनके काउंटर्स पे आ जा रहा था, इसे जब इनके काउंटर्स पे हंगामा होता था रोज। है बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। लेकिन देखिए उस काउंटर से लेकर इस काउंटर के हंगामे तक काफ़ी लंबा सफ़र स्पाइसजेट ने तय किया है। तो एंड देयर इज़ द टॉप लाइन 1506 करोड़ 1100 करोड़ के अगेंस्ट, काउंटर करीब 16% ऊपर। तो पूरा एविएशन स्पेस भी काफ़ी बस कर रहा है इस समय, तो नज़र तो डेफिनेटली इस पर रख ही सकते हैं इस स्टोरी पर। लेकिन इसमें जो इंटर ग्लोब है उस पर आशु क्या करना चाहिए? वो भी लॉन्ग ही है। खबरों के चलते बीच बीच में हम देखते हैं कि उसमें एक करेक्शन का दौर मिलता है, बट आई थिंक मुझे कोई ऐसा कुछ बड़ी ऐसी फंडामेंटली आप ये देखिए कि जब ओवरऑल जो अगर आप मॉडल देखें बिजनेस मॉडल आज भी वो मोस्ट प्रेफर्ड है। सो आई थिंक अगर वो चीज़ है तो वो एक जर्नी है, मतलब वो रिवर्स अगर आप उसको कैलकुलेट करें तो इट अफेक्ट्स द ओवरऑल बिजनेस ऑफ द कंपनी। सो आई थिंक दे आर डूइंग द राइट थिंग्स, और आगे पीछे करके हम देखेंगे उसमें भी हमारे को अच्छे अप मूव्स मिलेंगे। सो पेशेंस ज़रूर टेस्ट हो सकती है, बट लॉन्ग। चलिए इस बीच एविएशन से बाहर निकलिए, पूरा का पूरा एविएशन इस वक्त वाइब्रेट करता हुआ। अगर आप देखें डे हाई पे जेट एयरवेज इससे पावर डेरिवेटिव्स याद रखिएगा, ये वादा कारोबार का भी हिस्सा है। एक बार आखिर में चलते रहते ज़रा वॉल्यूम्स के साथ। आई मीन इसमें कोई डाउट नहीं है कि आज BHL सबसे बड़ी स्टोरी थी अपने नंबर्स के बाद। बाकी PNB PSU बास्केट्स में और वेल्सपन इंडिया और अगर आप देखें कोई सरप्राइज़ करने वाला स्टॉक था नो नॉट एग्जैक्टली। ONGC देखिए डे हाई की तरफ है, बिल्कुल डे हाई पे खड़ा है। अशोक लेन को मैं बहुत देर से देख रहा हूँ और मैं बस कोशिश कर रहा हूँ ये देखने की, या फिर आई थिंक कि ये किसी तरीके से अपना जो लॉस्ट ग्राउंड है ना, याद रखिए 90, उसको रीगेन कर ले, देन आई थिंक मेरे को एक ट्रेड की पॉसिबिलिटी लगेगी इसमें। आशीष आई थिंक अगर आप देखिए इस पूरे दौर में लास्ट 2-3 महीने में वो 90 का जो पुट राइटर था ना, उसका कन्वेक्शन हमेशा इसको बचा के ले आता था। 90 से आपको पुल बैक मिलता था। आप अभी ट्रेड करेंगे या फिर फर्स्ट मूव एडवांटेज के लिए, या फिर 90 के ऊपर? नहीं, मैं बिल्कुल वेट करूंगा अभी भी वीरेंद्र। मैंने पहले भी इस स्टॉक के बारे में बात की थी, क्योंकि ये क्लियरली एक लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है, और जब तक एक क्लियर बेस बन के ये रिवर्सल नहीं आता, मैं नहीं समझता कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत है। बहुत से स्टॉक्स है जो क्लियर अप ट्रेंड में, और वहाँ पर पे मैं पोजिशंस लेना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। एक बार गेल को देख लेते हैं। नंबर से पहले इस समय सेलिंग प्रेशर गेल पर है, काउंटर 2.25% नीचे है, 394 के आसपास गेल इस समय ट्रेड कर रहा है। तो ये 394 के आसपास। ONGC को भी एक बार देख लेते हैं, ONGC पर क्या रुझान है। इन दोनों के ही नंबर्स जो हैं वो डेफिनेटली मार्केट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। ONGC करीब 3% ऊपर 245 के आसपास। उम्मीद से बेहतर नंबर्स पर आशीष, ONGC पर अगला टारगेट क्या होगा आपका? जी हाँ बिल्कुल, ये मुझे लगता है काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ में है और ये स्टॉक मुझे लगता है 265 से 270 के जोन को बहुत जल्दी टेस्ट कर सकता है, तो एक बहुत स्ट्रांग बाय है। और मैं समझता हूँ इसके अंदर में जो डाउन साइड में 239 240 का एक स्टॉप लॉस रखिए, एक हफ्ते के अंदर में ही मुझे लगता है एक अच्छी बढ़त ओएनजीसी के अंदर हमें देखने को मिल सकती है। जी हाँ, इस बीच अगर आप देखें ये कुछ स्टेट्स आपके स्क्रीन पे हैं यहाँ पर, और एक दो चीज़ जाते थे और देख लेते हैं। मैं टॉप 10 काउंटर्स की बात कर रहा था, उसमें ही अगर आप देखें आगे चलते हुए एक दो स्टॉक्स जिनमें काफ़ी अच्छा आप देखें मूव है। एक आप देखिए एसएल समूह की कंपनी है, लेकिन क्योंकि इसमें डेरिवेटिव डेवलपमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, डिश, उस पर नज़र रखेगा। विद डिस्क्लोजर मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि ये 95 को फिर रीगेन कर चुका है और 95 के ऊपर ये एक लॉन्ग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी हमेशा देता है ये। और एक आप ये देखिए बीएल कश्यप, ये आज से 4 रोज़ पहले मैंने आपको ये बताया था करीब करीब 21 रुपये की रेंज में, टुडे स्ट्रेट में अब 25 रुपये स्ट्राइक कर चुका है। ये अच्छा चल रहा है और ऑलमोस्ट आप देखें देखेगी ट्रैजेक्टरी में, लेकिन मैं आई थिंक ज़्यादा गौर करना इस बीच जरा स्पाइसजेट को दिखाइए प्लीज़ एक बार जरा। आई थिंक मेरे को बार बार अगर आप देखें ये करीब करीब 11 रुपये ऊपर 67 अपर फीस पर लग गया। लीजिए साहब, आपका जो था बॉटम लाइन ऑलमोस्ट दोगुना बढ़ गया, 149 करोड़ रुपए वर्सेस 73 करोड़ रुपए, और बाजार ने भी अपना रिएक्शन फुल फ्लैश दिया। लेकिन एक बार फिर से ना स्पाइसजेट के रिजल्ट्स को देखिए, एक आंकड़ा जिसपे यू नो विच इज इंट्रिगिंग मी, इनकी टोटल बिक्री देखिए स्पाइसजेट की। कैन वी हैव रिजल्ट्स? हाँ, स्पाइसजेट की जो टोटल बिक्री है वो 1506 करोड़ है। ऑलराइट, जो मुनाफा है इनका वो 149 करोड़ है, लेकिन इनकी जो लागत है वो 1370 करोड़ है। यानी जो भी इनका टोटल सेल हुआ 1506 करोड़ का, इसमें से 1370 करोड़ तो चले गए इनके एज अ कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस। अब यही रेशियो अगर किसी और सेक्टर में अप्लाई होता तो मार्केट ऐसा रिएक्शन नहीं देता। एक ही शायद मैं कहूँगा कि शायद इन्होंने ब्रांड बिल्डिंग के लिए ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस किए भी हैं। अगर आप इनके आज की तारीख में इनके टीवी कैंपेन्स को देखें तो उन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया है उसको। माइट भी अगर आप देखें आई डाउट वेदर दैट विल बी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। लागत का तो सीधा मतलब ही निकलता है अकाउंटिंग में कि ये कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है इनके। EBITDA मार्जिन से EBITDA मार्जिन में इम्प्रूवमेंट है। आशु, आप इस पर कुछ गौर करना चाहेंगे क्या? स्पाइसजेट के काउंटर के नंबर्स की बात डिस्कस कर रहे थे ना जी। डेफिनेटली मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ कि आई थिंक अपना तो अगर इस क्वार्टर में नहीं तो अगले क्वार्टर में ज़रूर ये नज़र आ जाता। तो ओवरऑल ये मतलब ओवरऑल दिस स्पेस इज़ पॉजिटिव फॉर मी, सो बट आई वुड स्टिल से कि बीच बीच में हमारे को इसमें हिकअप ज़रूर मिलेंगे, हर्डल ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि कोई भी जरा सा न्यूज़ फ्लो होता है दे आर सेंसिटिव टू मैनी न्यूज़ फ्लो, तो उसमें इफेक्ट ज़रूर आता है। बट अदरवाइज आई थिंक नेट ऑन नेट इफ़ वी होल्ड पेशेंटली, आई मीन दिस इज़ अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्टोरी। इस बीच आशीष, वो जो मैं जिक्र कर रहा था ना उसका, आपका डिश का, उस पर कुछ टेक देना चाहेंगे? मेरे को अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है उसमें। देखिए वीरेंद्र, बिल्कुल इसमें एक साइडवेज बेस बन चुका है अराउंड 92-93, और हम देख रहे हैं 93 से 100 एक रेंज बनी हुई है लास्ट 2-3 हफ्तों से, और जब तक ये रेंज क्लियरली ब्रेक नहीं होती इसके अंदर में मैं थोड़ा सा साइडवेज एक ट्रेंड को अवॉइड करूंगा। बट डेफिनेटली इसी स्पेस में मुझे लगता है जी एक बहुत स्ट्रॉन्ग काउंटर नज़र आ रहा है, क्योंकि ऑल टाइम हाई के पास कंटिन्यूसली कंसॉलिडेट हो रहा है। तो जी में मुझे लगता है ऊपर में 560 तक का पोटेंशियल टारगेट देखने को मिल सकता है, डाउन साइड में 528 के आसपास का एक स्टॉप रख के जी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। चलिए, खैर आपको एक बार फिर से डिस्क्लोजर दे दें कि क्या जी और क्या डिश टीवी, ये दोनों ही एसएल समूह की कंपनी है, जिसकी कंपनी ZMCL भी है, जिसके माध्यम से आप ये चैनल इस समय देख रहे हैं। लेकिन हाँ, इस समय मोमेंटम है स्टॉक पर, तो इस पर बात हुई। कमिंग बैक टू मार्केट्स, 4 मिनट हैं मार्केट बंद होने में, क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। मेहर अब्बा 9000 कल हो जाएगा क्या आशीष? इंतजार 2 दिन से रहा है। देखिए मेरा तो मानना ये है कि 9000 एक बस एक लेवल है। इनफैक्ट अगर से बाजार यहाँ पे कंसोलिडेट होता है और उसके बाद एक फ्रेश मूव आता है तो शायद 9200 9300 के लेवल्स के लिए बाजार तैयार हो रहा है। तो 9000 या 9050 के लिए कोई मैं स्पेसिफिकली कमेंट नहीं करूँगा, बट ज़रूर ये समझता हूँ 8850 के ऊपर अगर से बाजार टिकता है तो 9200 से 9300 के लेवल्स जल्दी बाजार में देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, चलिए अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। आप एक बार इंडस्ट्रीज को देखिए, निफ्टी बैंक फिर लौट के हरे निशान में आया, लेकिन निफ्टी को आप देखिए तो ये डिसाइसिवली आज लाल निशान में रहा। आज का इंटरडे हाई था करीब 8968 का, यानी सिर्फ 32 अंक दूर निफ्टी घूम गया और अभी करीब 22 अंक नीचे 8920 के स्तर पे। आज प्रेशर पॉइंट्स डेफिनेटली अगर आप देखें आज बैंकिंग में एक दूसरा बास्केट था जिसके सहारे कल हमने 9000 तक का करा देखे तो ऑलमोस्ट सफ़र तय किया था। आज बैकफुट पे था पूरा प्राइवेट बैंकिंग बास्केट। आप येस बैंक को देखिए 33 रुपये नीचे 1408 के स्तर पे। उसके बाद आप देखिए आपका ये पूरा ये अगर आप देखिए ये जो सर ये प्राइवेट बैंकों का और आई मीन एक ब्लेंडेड वर्जन आपके स्क्रीन पे साउथ इंडियन बैंक का, धनलक्ष्मी बैंक, फेडरल बैंक, ये मिड कैप बैंकिंग थी आपके स्क्रीन पे। फिर आप देखिए पीएसयू बास्केट को बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, सब में शानदार तेजी। लेकिन प्राइवेट बैंकिंग बास्केट थोड़ा सा बैकफुट पे था। ये सरकारी खबर है एक बार फिर से, केनरा बैंक, पीएनबी, पंजाब एंड सिंध बैंक, देना बैंक, यूनियन बैंक का बैकफुट पे था आज। और आप ऑटो इंडस्ट्री स्पेस को देखिए, फेडरल मुगल, सुब्रोस, रानी ब्रेक्स और साथ ही साथ ऑटो एक्सेल्स, इन सभी काउंटर्स में देखें शानदार मूव, वाइल्ड स्विंग देखें यहाँ पर आप। फिर आप देखिए इंफ्रा स्पेस को, आज जब 5 दिनों से इसमें तेजी कायम है। सुनील हाईटेक को देखिए, बाकी पटेल इंजीनियरिंग, एम्बेल इंफ्रा, ARSS इंफ्रा, सिम्प्लेक्स इंफ्रा, सभी काउंटर्स में देखें काफ़ी मूव अच्छा रहा। टायर स्पेस एक बार फिर से वाइब्रेंट और सीएट ऑलमोस्ट डे हाई की ट्रैजेक्टरी में, और अपोल टायर्स, MRF, गुजर इंडिया, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, अगर आप देखें शानदार मूवी यहाँ पर देखने मिला। उसके बाद अगर आप देखें निफ्टी जिनसे आज प्रेशर में आया, उसमें आप देखें HDFC शामिल था, एशियन पेंट्स, सरकारी बैंकों की अगर आप खेल में जहाँ स्ट्रेंथ थी वहीं प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में आज सॉफ्टनेस, येस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक में सॉफ्टनेस थी। टाटा पावर बैकफुट पे था आज। बाकी अगर आप देखें तो टेक महिंद्रा, BPCL, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और HUL, ये कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर आज थोड़ी सी सॉफ्टनेस नजर आई है। और अगर आप कुछ स्टॉक्स को देखें आई मीन कुछ बास्केट्स जिसमें अच्छी प्राइस परफॉर्मेंस रही आज। ऑर्बिट कॉर्प को देखिए आप 18-19% ऊपर रहा। सुब्रोस को देखिए आप, यूनिटेक को देखिए, हालांकि कोई खबर ऐसी नहीं थी लेकिन फिर भी स्टॉक चल रहा था। माइट भी आप देखें शॉर्ट कवरिंग और फेडरल मुगल, इन सभी काउंटर्स में काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी। BHL आज की अगर आप देखें सबसे बड़ी स्टोरी थी, पोस्ट नंबर्स क्या रिएक्शन था, एक रिएक्शन था और उसके बाद अगर आप देखें उसका शॉर्ट कवरिंग का भी इम्पैक्ट नजर आया, फुल फ्लैज इम्पैक्ट ऑलमोस्ट 160 के स्तर पे। ये स्टॉक लगभग इस वक्त 16% ऊपर है, एक समय करीब 17% ऊपर था। ग्लोबल ऑफशोर, LG बाला और साथ ही साथ उन्हें हाईटेक 244.90 के स्तर पर। MIC इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट शट लगभग निफ्टी 19 अंकों के नुकसान के साथ 8923 के स्तर पे। और दूसरा एक क्रिटिकल इंडेक्स जिसने अपनी भूमिका काफ़ी निभाई है, निफ्टी बैंक, आज 20,441 के स्तर पे 15 अंक ऊपर। आशीष क्लोजिंग पता है आपके बहुत अच्छी क्लोजिंग है वीरेंद्र। आई थिंक इतने शार्प अपमूव के बाद इस तरह की गिरावट या थोड़ा सा करेक्शन बहुत हेल्दी है। ऑन द कॉन्ट्री मुझे लगता है शॉर्ट सेलर्स को और ट्रैप करने के लिए, एक होप देने के लिए कि नहीं बस हो गया, ऊपर की तेज़ी बन गई, टॉप बन गया, अब ज़्यादा ऊपर नहीं है। और ऐसे बीच में फिर एक दिन ऐसा आएगा या गैप अप होकर फिर एक अपमूव देखने को मिलेगा। सो आई थिंक ट्रेंड इज़ डेफिनेटली अप एंड दिस इज़ अ वेरी हेल्दी क्लोजिंग फॉर दैट। आशीष, कल के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए, सेलेक्टिवली स्टॉक पे पॉजिटिव रहूँगा, जैसे कि PSU बैंकिंग बास्केट में मेरा मानना है PNB, सिंडिकेट, ये दो काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं स्टॉक। जैसे कि मैंने कहा ONGC और इवन सेल मुझे लगता है 8-10% के बढ़त के लिए तैयार है, तो ये दोनों स्टॉक मुझे काफ़ी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। और तीसरा, जैसे मैंने कहा, मदरसन सुमी, इस स्टॉक के अंदर मैं फोकस करूँगा, यहाँ पर भी मुझे लगता है अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी। तो ये 4-5 स्टॉक आइडियाज़ हैं जिनको मैं बहुत क्लोजली ट्रैक करूँगा और यहाँ पर अगर से कोई मूवमेंट हुआ तो मुझे लगता है एक अच्छी अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। बिल्कुल यार, चलिए एक बार देख लेते हैं जो एडजस्टेड क्लोजिंग आई है, उसमें भी कोई ख़ास बदलाव नहीं। सेंसेक्स 29,000 के नीचे क्लोज होते हुए 51 पॉइंट्स नीचे और निफ्टी 25 पॉइंट नीचे 8917 पर। आशु आपका शुक्रिया, आशीष आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। लेकिन अब हमारे साथ एक ख़ास मेहमान है, श्रुति हमारे साथ हैं। श्रुति, वेलकम टू द शो। अब जनरली क्लोजिंग में होती नहीं है आप, लेकिन आज का मौका ही कुछ ऐसा है। आईफोन 7, वी ऑल नो कितने क्यूरियस हैं सब इसको लेकर, लेकिन आई थिंक सबसे क्लोजली अगर किसी ने मॉनिटर किया होगा इस लॉन्च को, एंड दैट्स यू, एंड आई थिंक यू विल बी वर्किंग ओवर टाइम टुडे। तो क्या है खास आईफोन 7 में? व्हाई इट्स ऑलवेज सच अ बिग इवेंट, आईफोन लॉन्च? The brand says it all, Mihir. Obviously, Apple है, तो there is no second questions to it. और 7 और 7 प्लस इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम बाद अब ऐसा माना जा रहा है कि Apple के डिज़ाइन में भी काफ़ी सारे चेंजेस देखे जाएंगे। हालांकि वो जनरेशन टू जनरेशन चेंज होते हैं और इस बार का जो iPhone है उसके डिज़ाइंस में और जो बाकी डिफरेंसेस हैं एज़ कम्पेयर टू अदर आईफोन्स, काफ़ी सारे चेंजेस किए जाएंगे। एंड इसलिए भी खास है क्योंकि इंडियंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये आईफोन, क्योंकि आईफोन की हिस्ट्री में सबसे पहला ये फोन होगा आईफोन, जो बाकी कंट्रीज के साथ साथ लगभग ऑलमोस्ट सेम टाइम पे ही इंडिया में भी अवेलेबल होगा, विच इज लाइक फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। एक बात है श्रुति, आप देखें एक्सेप्टेबिलिटी, आई मीन हर एक नए लॉन्च के साथ जितनी अच्छी आईफोन की होती है उतनी की भी नहीं। कुछ खास फीचर्स जो हमारे व्यूअर्स का बताना चाहेंगे, जो कि वाकई आई मीन एक्सेप्टेबिलिटी हमेशा ही काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन खास फीचर्स इस बार क्या रहेंगे? खास फीचर्स काफ़ी सारे हैं वीरेंद्र, द लिस्ट इज लाइक एंडलेस दिस टाइम, और यही कारण है मैंने अभी आपको बताया कि ये आईफोन खास रहेगा लोगों के लिए। सबसे पहले तो अगर कलर की बात करें हम, तो कलर रॉयल ब्लू कलर में ये अब आ जाएगा, और साथ ही साथ ब्लैक, डार्क ब्लैक विल बी द कलर, बिकॉज ऑब्वियसली सबसे पहले इंडियन साइकोलॉजिकली यही होता है कि जाते हैं सबसे पहले तो फोन का रंग बहुत जरूरी होता है। फीचर्स फिर पे आते हैं, उस पर 3.5mm हेडफोन जैक है जो कि हटाया जा रहा है, और अब एक तरह से ये ट्रेल हो जाएगी कि अब आने वाले सभी स्मार्टफोन्स में, नॉट जस्ट एप्पल, बाकी में भी हेडफोन जैक हटा दिया जाएगा, और एक लाइटनिंग कनेक्टर कनेक्ट किया जाएगा जिससे कि स्पीड काफी अच्छी हो जाएगी। और साथ ही साथ देखा जाए तो स्लीक डिजाइन रखा जाएगा आईफोन 7 में, और आईफोन 7 प्लस में अब जो रैम है वो 2GB और 3GB होगी। साथ ही जो मेमोरी स्पेस दिया जाएगा, यूजली 16GB, 32GB और 64GB थी, अब 64GB वेरियंट हटाकर अब सीधा से अब 32GB से शुरुआत की जाएगी। उसके बाद 128 आएगा, और उसके बाद 256 आएगा, जो कि पहली बार होगा किसी भी स्मार्टफोन की मेमोरी के लिए। साथ ही साथ बैटरी में काफी चेंजेस देखे जाएंगे, वाटर रेजिस्टेंट भी कहा जा रहा है इसको कर दिया जाएगा। एंड इसमें जो चिपसेट है आईफोन 6 के मुकाबले, पहले A9 था अब A10 होगा, प्रोसेसर काफी फास्ट हो जाएगा, तो काफी रिस्पॉन्सिव होगा। होम स्क्रीन जो है अभी आपको क्लिक करनी पड़ती है, वो बटन हट के अब सिर्फ ये 3D टच हो जाएगा, तो काफी सारे चेंजेस देखे जा रहे हैं इसमें। और ना ही आईफोन 7S अब स्मार्ट डिवाइसेस भी काफी लॉन्च करेगा एप्पल, माना जा रहा है नेक्स्ट जेन एप्पल वॉच 2 लॉन्च कर सकता है इस पूरे इवेंट में भी, क्योंकि एप्पल हमेशा से ही सिर्फ आईफोन नहीं लॉन्च करता है, बाकी सारे प्रोडक्ट्स भी हमारे लॉन्च किए जाते हैं। सबसे नई टेक्नोलॉजी के लिए जो अभी जितने फीचर्स बताए, उसमें सबसे अच्छा फीचर कौन सा लगा आपको? I don't know, उनके सारे फीचर्स अच्छे, महिलाओं के लिए आई मीन। भैया ये वाला रंग दिखाना, डुअल कैमरा भी है इस बार, लेट मी टेल यू दैट आल्सो, दो कैमरे दिए जाएंगे। कलर जो इन्होंने दिए हैं ना इस बार, आप कौन सा फोन यूज करती हैं? व्हिच वन आर यू यूजिंग? आर यू प्लानिंग टू बाय आईफोन 7? चलिए दिस, या आई एम प्लानिंग, मिहिर माय बॉस, सो अगर आप मेरी सैलरी बढ़ा देंगे तो आई एम प्लानिंग इस बार। फर्स्ट लेट मी बाय वन, देन आई विल सी whether you can buy or not. आई एम वेटिंग, आई वेट। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कवरेज आप देख सकते हैं, श्रुति इज गोना स्टे विद यू। आप 4:30 बजे इस पर हमारी खास पेशकश है द कर्टन रेजर, और रात को 10 बजे से हमारी कवरेज इसकी शुरू होगी नॉन स्टॉप आईफोन 7 और 7 प्लस के लॉन्च के लिए। सो स्टे ट्यून्ड। फिलहाल शुक्रिया श्रुति, एंड लेट्स होप आप जल्दी आईफोन 7 प्लस खरीदें, या फिर अगला वर्जन जो कि नेक्स्ट ईयर आने वाला है वो खरीदें।